हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। रंजीश्री व्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि रामनवमी के दिन मैंने बहुत ही अच्छा एक भेंट चढ़ाया था अपने भगवान हनुमान जी को और राम जी को, और वही भेंट को आज मैं विसर्जन करने NIT घाट जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही पवित्र चीज़ होता है और इसे यूं ही नहीं छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया और मैं पहुँच गया NIT घाट। आप देख सकते हो ये भीड़। ये संडे का दिन था और संडे के दिन NIT घाट, जो गंगा जी हैं, बहुत ही पॉपुलर जगह पटना का, वहाँ पे बहुत भीड़ होता है और यहाँ पर गंगा आरती होती है। ये भीड़, ये जो समा आप देख रहे हैं और इतनी जो भीड़ है, वो गंगा आरती के वजह से है। ये गंगा आरती एकदम बनारस के घाट के जैसे ही मनाई जाती है यहाँ पर। जैसा आप देख रहे हो, मैंने जूम करके दिखाया थोड़ा, माहौल बहुत ही खुशनुमा था, बहुत ही भक्तिमय था और इस माहौल को इंजॉय करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस भक्तिमय सीन को कवर करते हुए मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहता हूँ, और अगर आपको कभी भी ऐसा मौका मिले तो प्लीज़ आप यहाँ आओ और इस जगह को एंजॉय करो, इस दिन को एंजॉय करो और इस माहौल को एंजॉय करो। तो दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं अपने जिस काम के लिए आया था, मैं उस काम को अब अंजाम देने जा रहा हूँ। ग्यारह सौ 51 बार राम जी का जो मैंने नाम लिया, जय श्री राम जय श्री राम, और वो मैंने अपने भगवान जी को चढ़ाया। और साथ में मैंने जो फर्स्ट सीन आपने देखा और मैं एक ब्लॉग में डाल रखा था पीछे वाले में, कि मैंने एक बहुत ही सुंदर सा माला बनाया था भगवान जी के लिए, एक नहीं दो, और वो दोनों मैंने अर्पित कर दिया था। पटना के महावीर मंदिर में मैंने वो चढ़ाया था, तो वो तो सार्थक हो गया उसी दिन। तो दोस्तों, वो दिन मेरे लिए बहुत खास था और वो दिन जो मैंने अपने आप से मेहनत करके जो भगवान जी को अर्पित किया, वो बहुत ही सार्थक हुआ, मुझे बहुत सुकून मिला। और आज का दिन जो है, मैं लिखे हुए पेपर पे मैं बस यहाँ पर विसर्जन करने आया हूँ गंगा जी में। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर मैं जाता हूँ और विसर्जन करता हूँ। देखिए, ये मैं आ गया। दोस्तों, इस दिन एक और ख़ास बात ये थी कि इस दिन इतवार पूजा का फेस्टिवल था, तो बहुत भीड़ थी। अभी तो शाम में कुछ कम भीड़ था, लेकिन आप भी कुछ यहाँ पे लेडीज़ लोगों को देख सकते हैं कि ये पूजा करके अपने सारे प्रोसीजर को कर रही हैं। घाट पे बहुत ज़्यादा फल वगैरह यह सब का जो था ना, वो मतलब बिखरा पड़ा था, तो बहुत ध्यान से, और बहुत फिसलन था घाट पे जाने को लेके, बहुत ज़्यादा फिसलन था, तो बहुत सावधानी से उतरना पड़ रहा था। और रियली आप लोग भी जाओ तो बहुत सावधानी बरतो, क्योंकि गंगा जी में कब बहुत गड्ढा चला आए, कब वो नीचे की तरफ चला जाए, वो पता नहीं चलता है, तो बहुत सावधानी से उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। तो आप लोग इसका ख्याल रखो, मैं भी बहुत ख्याल रख के उतरा। तो दोस्तों, ये हो गया विसर्जन मेरे पत्र का जो मैंने लिखा था, जय श्री राम। एक बार आप लोग भी बोलिए जय श्री राम। फिर घर के लिए थोड़ा सा गंगा जल लेना था, तो बगल में ही एक नाव लगी हुई थी, सोचा कि नाव पे चढ़ के बगल से पानी को ले लेता हूँ, साफ़ पानी मिलेगा। लेकिन पानी भरते हुए डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कहीं ना कुछ निकल के मेरे ऊपर आ जाए तो बहुत सावधानी से फिर पानी भरता हूँ, फिर वापस आता हूँ। और फिर दोस्तों, फाइनली यहाँ गंगा जी का तो काम हो गया ख़त्म,
अब चलते हैं लवली लस्सी। अगर गांधी मैदान जाओ और थोड़ा सा महेंद्रू में आगे बढ़ के ये लस्सी ना पियो ये हो ही नहीं सकता। बहुत ही लाजवाब लस्सी है यहाँ का, 35 रुपीज़ पर ग्लास। और शायद एक अभी मिट्टी वाले चीज़ों में भी देने लगे हैं वो लोग, लेकिन मैंने मिट्टी वाला प्रेफर नहीं किया, यही था 35 रुपीज़ पर ग्लास। तो इस बार तो मिस केके का अरमान पूरा हो गया, मिस केके का मन था कि एक गिलास और, इफ़ यू लव मी देन प्लीज़ वन ग्लास मोर। अब ऐसा बात ही बोल दी तो एक गिलास उसको और पिलाया गया। और दोस्तों यहीं पे मैं अपने व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले फिर से व्लॉग में एक नए उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।